चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लिविंग फॉसिल। चलो वहीं गया फैजान देखो लिविंग फॉसिल में देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ एंशियंट कैरेक्टर्स शुरू विथ, किया। हाँ अभी शुरू किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद एंशियंट कैरेक्टर्स विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज फ्रॉम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन टू प्रेजेंट टाइम। मतलब ये कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि एंशियंट कैरेक्टर्स के साथ है और जब से उसके अंदर उस कैरेक्टर का इवोल्यूशन हुआ है तब से लेकर अभी तक में कोई चेंज नहीं हुआ हो। मतलब ये जैसे आप लोग को हम बताए थे लिमुलस के बारे में, लिमुलस क्या था फैजान? फैजान लिमुलस क्या था? डिवाइड कोई बात नहीं। लाइन अच्छा लैटिमेरिया, लैटिमेरिया वाज द लंग फिश, बताया लंग फिश था लैटिमेरिया वाज द लंग फिश। तो लंग फिश में जब सबसे पहली बार लंग्स का इवोल्यूशन हुआ उस वक्त से लेकर आज तक उसके उस कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब से उसके अंदर ये नया कैरेक्टर आया था तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और वो ऑर्गेनिज्म आज भी जिंदा है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल क्योंकि उसके पास कैरेक्टर तो कुछ फॉसिल वाला है, बहुत पुराना कैरेक्टर है इसलिए फॉसिल बोले, और चूंकि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है इसलिए उसको बोले लिविंग फॉसिल। ठीक है एक बार फिर से। फिर से अभी समझ में आ जाएगा। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ऐसा कैरेक्टर हो जो कि बहुत एंशियंट है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ हो आज तक, जब से वो और कैरेक्टर डेवलप हुआ था इवॉल्व हुआ था तब से लेकर आज तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ हो और वो ऑर्गेनिज्म आज भी जिंदा है। मतलब ये अगर हम बात करें लंग फिश का तो फिश के अंदर लंग ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो रेप्टा, सॉरी एम्फीबिया और फिश के बीच का है। फिश के अंदर लंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो एम्फीबिया और फिश के बीच का है और लंग फिश उन दोनों के बीच में आती है। किसके बीच में आती है? फिश जैसी है बट कैरेक्टर किसका है? लंग वाला, एम्फीबिया का। क्योंकि इन दोनों के बीच का कैरेक्टर है लंग का प्रेजेंस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एंशियंट कैरेक्टर, बहुत पुराना कैरेक्टर है, पहली बार आया होगा। और जब सबसे पहली बार ये लंग का डेवलपमेंट हुआ उस वक्त के बाद आज तक इस फिश में, इस लंग फिश में आज तक कोई चेंज नहीं आया। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अभी जिंदा है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अभी जिंदा है विद एन एंशियंट कैरेक्टर विदाउट एनी चेंज, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लिविंग फॉसिल। कैरेक्टर है फॉसिल वाला और ऑर्गेनिज्म जिंदा है इसलिए बोल रहे हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चार लिविंग फॉसिल का एग्जांपल याद रखना है, एक तो लंग फिश, दूसरा लैटिमेरिया, सॉरी लैटिमेरिया तो यही है, इसी का क्या नाम है लैटिमेरिया, दूसरा इज लिमुलस, दूसरा इज लिमुलस, लिमुलस वाज द किंग क्रैब। तीसरा इज स्फेंडॉन, स्फेंडॉन ठीक है, स्फेंडॉन तुआ तारा को बोलते हैं। ये 11th में याद होगा फैजान तुम लोगों को बताए थे, ये एक ऐसा लिजार्ड है जिसके पास तीन आंख होता है, अ लिजार्ड हैविंग थ्री आईज, एंशिएंट कैरेक्टर। नहीं बताया बताए होंगे, देखना ध्यान से, नहीं बताए तो चलो अभी हो गए। एग्जाम्पल में भी करना होगा। स्पेंडाउन होना चाहिए, तुआ तारा तो नहीं बताऊंगा, स्पेंडाउन होना चाहिए। नहीं बताए तो चलो अभी कोई नहीं। प्लांट में बात करें तो दो, एक साइकस और दूसरा जिंको, जिंको बाइलोबा याद आ रहा है, टेडोफाइटा का मेंबर था, टेडोफाइटा बोल रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म, साइकस भी जिम्नोस्पर्म का मेंबर है।
ठीक है, जिंको जिंको भाई लोबा बताए थे पंखा बनता है हैंड फैन। नहीं नहीं बताया, साइकस याद है लॉन्गेस्ट ट्री था, साइकस लॉन्गेस्ट ट्री था तो याद है। हाँ क्या याद है, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया ये था सबसे लंबा पेड़। जिंको भाई लोबा ये एनसीईआरटी में भी है, कैसे नहीं बताया, हर हालत में बताया, एनसीईआरटी खोल कर देखना। चलो हटाएं, वो तारा अभी तक है। हाँ ये भी अभी तक है, अभी तक है। हाँ तुआ तारा इज द अदर नेम फॉर स्पेंडन। चलो इसको हटा दें, अगला स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट। फोटो दिखाए ना उसका, क्या फोटो दिखाए ना उसका, किसका? रुको स्पेंड ऑन इमेज, एसपी देख पा रहे हो? देख पा रहे हो इस लिजार्ड को? बात नहीं दिख रहा है। देखो इसका एक और नाम दिखा, तुआ तारा विकिपीडिया। तीन आंख नहीं दिख रहा है। इस डायग्राम को देखना, रेयर और यूनिक क्यों है बता दिखाओ। इट इज ऑफन दैट वन गेट्स टू बोस्ट ऑफ सर्वाइविंग द एज ऑफ डायनासोर, इतना पुराना है, बट दैट्स जस्ट व्हाट द टुआतारा कैन डू, दे हैव बीन अराउंड फॉर ओवर 60 मिलियन ईयर्स, दिस इज व्हाई दे गेट द टर्म लिविंग फॉसिल, दे आर ओनली टू सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ टुआतारा लेफ्ट इन द वर्ल्ड, स्पेंडन पंचुएट्स एंड इवन मोर रेयर स्पेंडन गुनथेरी, दे कॉल न्यूजीलैंड एंड 32 सराउंडिंग आईलैंड देयर होम्स। देख रहे हो? हाँ, टुआतारा हैव टू रोज ऑफ टीथ ऑन द अपर जॉ एंड वन ऑन देयर लोअर जॉ। देखिये ये भी एक अजीब बात है, ऊपर में दांत का दो लेयर और नीचे में सिर्फ एक, दिस हेल्प्स देम चीव देयर आगे। क्या? एक आगे एक पीछे। हाँ एक आगे एक पीछे। नेक्स्ट, दे फीड ऑन इंसेक्ट लिजार्ड फ्रॉग एंड इवन ऑन ईच अदर। अच्छा इस हम बताए थे शायद, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने स्पीशीज के ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं याद है? कैननबॉलिज्म बताए थे, अगर एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज को ही अगर खाता है तो उसको बोलते हैं कैननबॉलिज्म। अभी पढ़ो ये जो हम तुमको बताए और तुम देखना चाह रहे थे। टुआतारा हैव अ थर्ड और पेराइटल आई, तीसरा आंख भी होता है। दिस आई इज रूडिमेंट्री, नॉर्मली ये बेकार है, नॉन फंक्शनल, बट फंक्शनल फॉर वीविंग लाइट डार्क एंड पासिंग शैडोज। लाइट डार्क और पासिंग शैडो को देखने के लिए तीसरा आई भी फंक्शनल हो जाता है। दिस पेराइटल आई इज मोर विजिबल एज यंगस्टर्स बट इज लाइटली कवर्ड विद स्केल्स एज देयर एज एज दे एज। समझे? समझे नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। चलिए बाप तुआ तारा भी देख लिए, आइए वापस। ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स कैसे इवॉल्व किया उसका पूरा सीक्वेंस। ऐसे लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ
इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। चलो सबसे पहले इओहिपस नाम याद रखना सब। इओहिपस इवॉल्व किया तब बना मेजोहिपस, मेजोहिपस भी इवॉल्व किया तो बना मियोहिपस, मियोहिपस भी इवॉल्व किया तो बना पाराहिपस, पाराहिपस भी इवॉल्व किया तो बना मेरीहिपस, मेरीहिपस भी इवॉल्व किया तो बना पिलोहिपस, पिलोहिपस। और ये भी जब इवॉल्व किया तो बना इक्वस। मॉडर्न हॉर्स यही है, ठीक है। याद कैसे रखोगे तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ये तो स्क्रीनशॉट लोगे बाद में लिखोगे। देखो इयो मेशो मियो पारा मेरी पिलो इक्वस, इयो मिशो मियो पारा मेरी पिलो इक्वस, ठीक है। इयो मिशो मियो पारा मेरी पिलो इक्वस, इयो मिशो मियो पारा मेरी पिलो इक्वस। चूंकि लंबा है इसमें इस तरह का कोई ट्रिक का जरूरत है तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या? हॉर्स कॉमन नेम। हाँ बिल्कुल, हॉर्स कॉमन नेम, ठीक है। क्या कॉमन नेम तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ हमारे यहाँ या इंग्लिश में बोलो तो हॉर्स है, हम लोग एरिया में उसको घोड़ा नहीं बोलते हिंदी में, तो कॉमन नेम तो बदल गया, हॉर्स से घोड़ा हो गया, बिल्कुल डिपेंड करता है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में उसका कॉमन नेम हॉर्स है, हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट याद कर सकते हो, फर्स्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स, फर्स्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स वाज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, किसके द्वारा? सी मार्स। हो गया, एम ए आर एस एच। हो गया, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, अभी तक तो कहानी था। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए क्या क्या कौन कौन थ्योरी थी तो उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मेन डार्विन का नाम है, सबसे पहला थ्योरी जो दिए थे वो थे लमार्क, लमार्क, और उसको बोलते हैं लैमार्किज्म। क्या बोलते हैं? लैमार्किज्म। इसका एक और नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब भी थोड़ा ध्यान देना, अब अच्छा अच्छा टॉपिक शुरू हो रहा है और यहां से मजा भी आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी भी बनेगा, और दूसरा बात कि यहां से क्वेश्चन भी खूब बनता है। लैमार्क को फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, सबसे पहला बात जान लीजिए। फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? लैमार्क। दूसरा पॉइंट, ये पहला थ्योरी था, इट वाज द फर्स्ट थ्योरी गिवन, फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके रिगार्डिंग पहला थ्योरी था। और ये दो तीन बुक भी लिखे थे, बुक्स रिटेन बाय लैमार्क,
सबसे पहला बुक आपको याद रखना है फिलोसफी जूलोजी क्यों, जूलोजी क्यू, फिलोसफी जूलोजी क्यू, और दूसरा बुक वाज फ्लोरा ऑफ फ्रांस। ये दो किताब वो लिखे थे, ठीक है। आप इन दोनों को कम से कम इसको भूल सकते हैं, ये हर हालत में रटना ही, ठीक है। अब इनके थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स था वो लिखते हैं, इतना हो गया। इतना स्क्रीनशॉट हो जल्दी ले लिए, चलो आगे। फैक्ट्स रिगार्डिंग थ्योरी, अब इनके थ्योरी का क्या क्या फैक्ट था उसका बात कर रहे हैं। सबसे पहला वॉज एनवायरमेंटल इफेक्ट, जिसको एक और नाम दिए डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर। ठीक है, इस थ्योरी के थ्रू क्या बोले, वो बोले इट स्टेट्स दैट एनी चेंज इन एनवायरमेंट। इस थ्योरी के थ्रू बोले थे कि अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म उस चेंज के हिसाब से खुद को ढालने के लिए उस ऑर्गेनिज्म का जरूरत भी बदल जाएगा। अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज होगा तो उस चेंज के अनुसार खुद को ढालने के लिए ऑर्गेनिज्म का जरूरत भी बदल जाएगा, और उस बदले जरूरत को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है। समझे, मतलब ये कि पहले हम मान लो यहां रह रहे हैं, यहां अभी गर्मी कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, हमारा स्किन बड़ा पतला होता, बट अगर हम ही चल जाए अंटार्कटिका में तो वहां 10 साल 15 साल तक कूलर इन्वायरमेंट में रहने के बाद, चूंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो अब मेरे बॉडी का जरूरत बदल गया, अब हमको मोटा चमड़ी चाहिए तब जिंदा रह सकते, इंसुलेशन चाहिए, इंसुलेशन, फैट डिपोजिशन, समझ रहे हो बात, बॉडी हेयर डेंस होना चाहिए ताकि वो भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में चेंज होने से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंज होना एक तरह से लाजिमी हो जाता है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म का चूंकि जरूरत बदल गया, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है। इट स्टेट्स दैट एनी चेंज इन एनवायरमेंट क्रिएट्स द न्यू नीड फॉर द ऑर्गेनिज्म। It states that any change in the environment creates the new need for the organisms. ये पहला थ्योरी था environmental effect का। दूसरा थ्योरी, इसको बोलते हैं use and disuse theory। क्या बोलते हैं? Use and disuse theory। ये इस थ्योरी के थ्रू लैमार्क क्या बोले कि जिस organ का आप ज्यादा यूज करते हैं वो धीरे धीरे उतना स्ट्रांग होता चला जाता है, और जिस ऑर्गन को आप कम यूज करते हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और फाइनली समय के साथ खत्म हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दें तो हमारा राइट और लेफ्ट हैंड ही उसका एग्जांपल दे ले। कोई बच्चा अगर लेफ्टी है तो बचपन से उसका लेफ्ट हैंड ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा धीरे धीरे, चूंकि वो लेफ्ट हैंड को यूज कर रहा है और राइट हैंड उसका वीक हो जाएगा। और जैसे हम लोग राइटी हैं, हमारे राइट हैंड में ज्यादा ताकत होता है, लेफ्ट हैंड हमारा थोड़ा वीक होता है कंपैरेटिवली। यही था यूज एंड डिसयूज थ्योरी, जिसको और बड़े स्तर पे लैमार्क यूज किए। लैमार्क बोले कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लो ना स्नेक्स का, स्नेक्स चूंकि बोरोज में रहते थे तो वहां उनको चलने वलने की जरूरत नहीं होता था, वहां सरकते थे, है ना। अगर आप मान लो कि एक कोई छोटा सा होल है, उस होल के अंदर किसी स्नेक को जाना है तो वो चल के थोड़े ना जाएगा, वो तो फिसल फिसल के सरक सरक के अंदर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उसका पैर का यूज तो आएगा नहीं बल्कि उसका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अगर मान लो कहीं सरकना हो तो हम अपने हाथ को आगे पीछे करेंगे, है ना,
तो स्नेक का धीरे धीरे कर करके कर करके सारा पैर जो लेग्स था वो रूडिमेंट्री होके खत्म हो गया और उसके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एबिलिटी आ गया। तो आप जिस ऑर्गन को यूज कर रहे थे वो और डेवलप हो गया, जिस ऑर्गन को छोड़े हुए थे खत्म ही हो गया। दिस वॉज द यूज एंड डिसयूज थ्योरी यूज बाई डार्विन, सॉरी लेमार, नॉट डार्विन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी था उनका। लिखिए, समझ में आ रहा ना रोशन और फैजान दोनों? उनके हिसाब से मतलब कि स्नेक में पैर था पहले। हाँ बिल्कुल था। रोशन आ रहा समझ बाबू? स्नेक का वैसा फोटो है नहीं? रोशन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, रुको एक मिनट, देख ही लेते, अगर मिल गया तो अच्छा है। स्नेक विद लेग्स, उम्मीद तो करता हूं कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारा इसमें कैसा है जो डायरेक्ट निकल जाता है, उसमें तो दांत नहीं होगा। वापस बोलो। हाँ दांत होता है शिकार करने के लिए, ऐसा केनाइन वाला नहीं होगा, चबाने वाला होगा, मोलर थ्री मोलर इस सब नहीं होगा। नहीं देखो एक फॉसिल दिख रहा है, फॉसिल दिख रहा है ये वाला, देख रहे हो फॉसिल? देख रहे हो? एक ऐसा फॉसिल है, इट इज द फर्स्ट नोन फॉसिल ऑफ अ फोर लेग्ड स्नेक, एक ऐसा स्नेक जिसका चार पैर था उसका फॉसिल है। ठीक है, बाकी तो थ्योरी है कि किसने अपना पैर कैसे। हाँ देखो यहाँ भी देखो, उसी स्नेक का जो था फॉसिल, उस स्नेक के फॉसिल को जब हम लोग एनालाइज किया और बाद में कोशिश किया कि उसको कंप्यूटर के थ्रू उसका पूरा एक इमेज बनाया बॉडी का, देखो कुछ ऐसा आया, देख रहे हो? देखो ये देखो उसका लेग, हाँ पैर दिख रहा है, क्योंकि इसको यूज नहीं करते थे, ये खत्म हो गया, देख रहे हो? एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ हाउ द स्नेक माइट हैव लुक्ड, उस फॉसिल के हिसाब से उस स्नेक कैसा दिखता होगा उसका एक डायग्राम बनाए कंप्यूटर की हेल्प से, तो ऐसा कुछ दिखा। समझ में आ रहा सबको? इसका मतलब तो ये नहीं ना कि वही इवॉल्व किया, इससे तो ये भी मतलब हो सकता है कि शायद वैसा स्नेक होगा, स्नेक वैसा होगा, शायद उसका एनवायरनमेंट फिर उसको बाद में चेंज हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। देखो वैसा स्नेक ये तो नहीं ना बोल सकते इवॉल्व करके स्नेक बन गया। सुनो स्नेक वैसा होगा और स्नेक उसमें चेंज किया, दोनों में डिफरेंस है। स्नेक उसमें चेंज किया ये बात ज्यादा सही है, वो इसलिए कि फॉसिल जब तुम स्टडी करते हो तो तुम उसके पूरे बोन का स्ट्रक्चर चेक करते हो कि उसका बॉडी में बोन्स कैसा था, क्या चेंजिंग आया इस तरह का, और अगर उस तरह का कोई चेंज नहीं आया है तब आप बोलते हो कि नहीं लगता दोनों अलग अलग था, बट अगर आपको दिख रहा साफ साफ सिमिलैरिटी तो आप बोलते हो कि नहीं वही चीज इवॉल्व किया है। ठीक है चलो यूज एंड डिसयूज थ्योरी को लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट ऑफ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट ऑफ थ्योरी, दोज ऑर्गन विच आर इन यूज रेगुलरली, दोज ऑर्गन्स विच आर इन यूज रेगुलरली, those organs which are in use regularly become stronger and develop, become stronger and develop, and those which are not in use
एंड दोज विच आर नॉट इन यूज एंड दोज विच आर नॉट इन यूज बिकम ग्रेजुअली वीकर बिकम ग्रेजुअली वीकर बिकम ग्रेजुअली वीकर एंड लास्टली डिजनरेट्स एंड लास्टली डिजनरेट्स. पता है इस थ्योरी को बहुत हद तक सपोर्टिंग एविडेंस भी है बट हम लोग इसको एक्चुअली नहीं मानते. इसका बहुत सारा सपोर्टिंग एविडेंस है तो कुछ हद तक तो इसको मानते हैं कुछ हद तक इसको नहीं भी मानते. क्यों क्या सब आगे जानेंगे अभी बस देखते हैं. नहीं मानने का एग्जांपल पहला लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ ये सबसे फेमस है. ये ऐसा बोलता है कि पहले इस अर्थ पे ना सारी बकरी टाइप की ऑर्गेनिज्म रही हुई बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सब सारा लोअर हाफ जो भी थे उनको सबको खा गए. तो अब बात प्रॉब्लम ये आया कि अब बकरी को अगर जिंदा रहना है तो उसको थोड़ा ऊंचाई पे जो पत्ता उसको खाना पड़ेगा. तो उसके लिए वो लोग गर्दन उठा उठा के खाते थे है ना. तो को इसका डायग्राम अगर हम दिखाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. इसका डायग्राम निकालते हैं. लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ डायग्राम जिराफ देखे हैं. जिराफ देखो ना हमको जिराफ नहीं दिखाना कुछ और दिखाना. अलग होता है क्या उसके करने से. देखो तो जो दिखा रहे हैं तेजी दौड़ता है. ये डायग्राम देख रहे हो. अगर ये डायग्राम तुमको ध्यान से दिख रहा था तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि पहले जिराफ इस हाइट का प्लांट को खाता होगा. बट अगर इस हाइट का सारा प्लांट खत्म हो गया तो अब तो सिर्फ वही जिराफ जिंदा रहेगा ना जो कि इस हाइट तक कभी प्लांट खा पाए. अब अगर ये भी हाइट का सारा पत्ता खत्म हो गया तो अब वो जिंदा रहेगा जो इस हाइट का खा पाए. मतलब वो गर्दन उठा उठा कर खाता था. मतलब गर्दन को लगातार यूज कर रहा था और इस लगातार यूज करने के वजह से देख रहे हो इस लगातार यूज करने के वजह से उनका गर्दन लंबा होता चला गया. तो चूंकि वो अपना गर्दन यूज किया इसलिए उसका गर्दन लंबा हो रहा था. देखो लिखा भी है डायग्राम शोइंग इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ अकॉर्डिंग टू लैमार्क है ना. समझे नहीं समझे. बोलने गर्दन यूज कर रहा था जब नीचे का पेड़ पौधा खा ही जा रहा था तो ऊपर फिर पेड़ कैसे निकल जा रहा था. ये कहने का मतलब ये नहीं नहीं जैसे मान लो ये इतना बड़ा पेड़ था इसका क्या यहाँ पत्ता नहीं रहा होगा. नहीं आप बोलने के शुरू में तो कोई भी पेड़ छोटा से बड़ा होता है तो छोटा ही में अगर उसका. अच्छा हम एक टर्म यूज किए सुनो हम एक टर्म यूज किए हर्ब. इसका मतलब क्या होता है. छोटा प्लांट. हर्ब का मतलब होता है छोटा प्लांट. तो छोटा प्लांट ये पहले खा रहा था उसके बाद जब वो सब खत्म हो गया तो फिर पेड़ की तरफ बढ़ा. पेड़ में जो नीचे वाला पत्ता था उसको खाया खत्म हो गया तो अब ऊपर वाला खाना पड़ेगा. इस हिसाब से काम हो रहा है. ठीक है चलिए पहला एग्जांपल हो गया लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ. दूसरा एग्जांपल देखो लिम्बलेसनेस ऑफ स्नेक. लिम्बलेसनेस मतलब पैर हाथ का नहीं होना इन स्नेक स्नेक्स के अंदर. ये भी एग्जांपल है इसका. नेक्स्ट इज अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना. देखो अभी जो एग्जांपल का बात करते थे कि ऐसा कैसे पता चलता है तो एक बात ये भी है कि पाइथन पाइथन में आज भी पेल्विक गर्डल होता है. पेल्विक गर्डल क्या करता था फैजान. क्वेश्चन पूछते ही शांत हो जाता है ऐसे बोलते रहता है. पेल्विक गर्डल हम लोग पढ़े थे बोन्स में पैर को कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है
तो इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा इन पाइथन रूडिमेंट्री पेल्विक गर्डल इज प्रेजेंट, देखो चूंकि पैर होता नहीं है तो इस पेल्विक गर्डल का भी काम नहीं था, बट इसमें था पाइथन में, अभी भी है, जिससे ये बात साबित होता है कि कभी उसके पास भी पैर था, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज वेब्ड टो ऑफ डक, वेब्ड ऐसे लिखते हैं वेब टो ऑफ डक, ये भी जरा समझ लो, वेब्ड टो ऑफ डक, ध्यान से देखो इस डक के पैर को, देख लो एक दो तीन उन सब के बीच में, देख लो ये मांस का एक लेयर है बिछा हुआ, मतलब ये कि ये मेरा पैर था, अगर इस पैर के ये जो गैप से इस गैप्स के बीच में मांस भर जाए तो हम पानी को और ज्यादा अच्छे से हटा पाएंगे, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये कि मेरा काम नॉर्मली पैर का चलना था, लेकिन चूंकि हम इसको यूज तैरने में ज्यादा कर रहे थे इसीलिए यहाँ पे वेब लाइक फॉर्मेशन हो गया, जिससे कि ये पानी को और अच्छे से हटा पाए, समझ रहे हो बात। तो दिस वॉज द मेन यूज ऑफ वेब्ड टो ऑफ डक। तीसरा इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, हमारे शरीर में भी बहुत सारे फालतू ऑर्गेन है, कभी काम में थे, धीरे धीरे उसका काम लाना छोड़ दिया, फालतू हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गेन। रोशन पढ़ोगी जब तीसरा लेक्चर तो वहां मिल जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गेन क्या होता है। हो गया इतना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, बोर्ड में जो फॉसिल मिलता है हाँ, तो ये पता चल जाता है ना कब का है। बिल्कुल, कभी तो ऐसा भी तो होता होगा कि एक स्नेक जैसा भी आप बताएं, स्नेक का एग्जांपल भी है ऐसा, इसमें अभी उस टाइम पीरियड में जो मतलब उस टाइम पे अभी जो फॉसिल निकला उसमें पैर था, और एक और कभी ऐसा फॉसिल निकला हो जिसमें पैर नहीं है। हो सकता है दो टाइप का स्नेक उसी वक्त बन चुका था, मतलब पैर वाला चीज उस वक्त भी लगभग में खत्म हो गया था, कुछ में बचा था। चलिए अगला इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको तो सिरे से खारिज कर दिया गया। ये भी तो बोल सकते हैं कि दो तरह का रहा होगा शुरू ही से। शुरू से कैसे होगा, हर चीज तो इवोल्यूशन से ही बना है, कोई चीज शुरू से कहां था। इनहेरिटेंस ऑफ मतलब जब वो इवॉल्व हुआ, एक जब इवॉल्व हुआ तो दूसरा भी इवॉल्व हुआ, हो सकता है, ये हो सकता है, बट वैसा अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए हम लोग मानते हैं कि उससे इवॉल्व किया है। जिस दिन मिल जाएगा हम अपने बात को काट देंगे, ऐसे ही तो चलता है साइंस। ये सबसे जिसको बोलते ना कॉन्ट्राडिक्टिंग था उनका थ्योरी लैमार्क का, जिसको देखते ही साइंटिस्ट काट दिए थे, बोले गलत। क्या बोले वो इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट ऑफ थ्योरी, कौन दी से ज्यादा पूछता है कौन इसको डिस्प्रूव किए थे, इतना इंपॉर्टेंट है तो काटे। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट ऑफ थ्योरी दोज कैरेक्टर विच आर एक्वायर्ड इन लाइफ टाइम, दोज कैरेक्टर्स which are acquired in lifetime, those characters which are acquired in lifetime accumulate and transfer to next generation,
accumulate and transfer to next generation, which appear totally different, which appear totally different from the parent and get stabilized as new species, totally different from the parent and get stabilized into new species. इस थ्योरी का कहना यह था कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर्स गेन करता है वो कैरेक्टर उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी अपीयर होता है, और चूंकि कुछ कैरेक्टर एडप्ट हो गया अगले जनरेशन में तो वो पहले वाले पेरेंट से बिल्कुल अलग हो गया, और अलग हो गया तो हम लोग उसको नया स्पीशीज बोल देते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो कोई एक आदमी था, उसका किसी एक्सीडेंट में एक आंख फूट गया, तो इस थ्योरी के हिसाब से उसके बच्चे में अब कभी भी दो आंख नहीं हो सकता, उसका बच्चा भी एक आंख वाला ही होगा क्योंकि उसका पेरेंट को एक आंख था। लेकिन लेकिन ये एक आंख का जो कैरेक्टर था वो उसका पेरेंट अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। और बोल रहा है कि वो अक्वायर्ड कैरेक्टर, दो आंख के बदले एक आंख का कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास आउट हो गया, इसलिए हम उसको बोले इनहेरिटेंस, जो कि एकदम गलत था। क्योंकि गलत क्यों था भाई, अब खुद सोचो ना, दो आंख वाला पेरेंट एक आंख वाला बच्चा था, हम लोग बोले अच्छा देखो पेरेंट का दो आंख था बच्चे का एक आंख, ये तो नया स्पीशीज बन गया, वही ये थ्योरी बोल रहा था। इसको गलत साबित कौन किए थे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट ऑफ थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड by work of A. Wiseman. जर्म प्लास्ट थ्योरी दिए थे ए. विज़मैन, और उनके थ्योरी में क्या था, वो क्या किए कि चूहों का पूंछ को काट दे रहे थे, दो चूहा पकड़े, चूहा ए चूहा बी, दोनों का पूंछ काट दिए, चूहा ए मेल था चूहा बी फीमेल थी, दोनों का पूंछ काटे, दोनों का मेटिंग करा, चूहा नंबर सी आया, चूहा नंबर डी आया, चूहा नंबर ई भी आया, चूहा का बच्चा एक दो थोड़े ना होता, चार पांच होता है, उन सब बच्चा को बड़ा किए, सबका पूंछ काटे, फिर से उनको आपस में मेटिंग कराए, फिर से बच्चा हुआ, फिर से उसको बड़ा किए, पूंछ काटे, आपस में मेटिंग कराए, ऐसा वो 22 जनरेशन तक किए थे। कितने जनरेशन तक? 22 किस एनिमल पे? रैट पे। और उसके बाद भी 23वां जनरेशन में चूहा आया, उसके पास एक पूंछ था। इस बात से ए. विज़मैन ये बात साबित किए कि देखो चूहा के पापा का भी पूंछ कटा था, चूहा की मम्मी का भी पूंछ कटा था, फिर भी बच्चे में पूंछ था। मतलब चूहा के पापा और मम्मी अपने जीवन काल में जो भी कैरेक्टर अक्वायर किए, पूंछ कटने का, पूंछ कट्टा बनने का जो कैरेक्टर था, वो उनके बच्चों में पास आउट नहीं हुआ। और एक जनरेशन तो छोड़िए, उन्होंने ये काम 22 जनरेशन तक किया था, फिर भी पास आउट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि ऑर्गेनिजम्स जो भी कैरेक्टर में लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं, वो उनके बच्चे में पास आउट नहीं होता है। उसके अलावा उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट का नाम है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसको भी वो अंधेरे में रखे थे, और उसके बाद भी उसका आंख रूडिमेंट्री नहीं हुआ, वो देखने का ताकत था उस आंख में। इससे भी ये बात साबित हुआ था कि ड्रोसोफिला के आईज को डार्कनेस में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग डार्विनिज्म पढ़ेंगे अगले क्लास में।